दो वर्सेस ऑल फाइव कागे, ये टॉपिक सुनने में ही बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। मतलब शिनोबी वॉर में माजरा के अगेंस्ट जिन फाइव कागेज ने फाइट किया था, यानी कि ए, सुनाडे, कारा, उनकी एंड मे, इन सब की फाइट अगर नरुतो से हो गई तो क्या होगा? क्या नरुतो इन पांचों कागेज को हरा पाएगा? या फिर जो फाइट हमने फाइव कागेज वर्सेज माजरा के बीच में देखी थी, उसमें अगर माजरा की जगह नरुतो होता तो ये फाइव कागेज किस तरीके से नरुतो के अगेंस्ट फाइट करते हैं? हम इस वीडियो में इसी चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। तो गाइस, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इन बातें घुमा घुमा के प्रेजेंट नहीं करूंगा, बल्कि डायरेक्ट मेन टॉपिक की बात करूंगा। ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगी, पहला नरुतो विद केसीएम और दूसरा नरुतो विदाउट केसीएम। मतलब कि क्या होगा अगर नरुतो विद और विदाउट केसीएम इन फाइव कागेज से फाइट करेगा तो? तो वीडियो का पहला पार्ट नरुतो विद केसीएम यानी कुरामा चाक्रा मोड। अब गाइस, वीडियो का ये वाला पार्ट बिल्कुल नो ब्रेनर है, मतलब कि इसके लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या ही दिमाग लगाओगे, नरुतो अपने कुरामा चाक्रा मोड में बहुत ही ज्यादा इजिली इन पांचों कागेज को डिफीट कर देगा, ये मैं डायरेक्टली कह दे रहा हूँ। और जरा आप ये बात सोच के देखिए, जो एडो माजरा था वो अपने नॉन परफेक्ट सुसानोस के साथ पांच कागेज के साथ खेल रहा था, लिटरली खेल रहा था। और हम यहाँ पे बहुत ही इजिली देख सकते हैं कि जो नरुतो का कुरामा मोड है वो माजरा के सुसानो से कितना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ इसी बात का अंदाजा लगा के आप ये बात सोच सकते हैं कि अगर नरुतो ने इन पांचों कागेज के ऊपर अपने पांच पांच क्लोन्स छोड़ दिए और उन पांचों क्लोन्स ने कुरामा चाक्रा मोड यूज कर लिया या फिर टेल बीस्ट मोड यूज कर लिया तो क्या होगा इन पांच कागेज का? तो यस गाइस, नरुतो विद कुरामा अपने फुल पोटेंशियल के साथ पांचों कागेज को बहुत ही ज्यादा इजिली डिफीट कर देगा। अब खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और वीडियो और इंटरेस्टिंग होती है इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, मतलब कि नरुतो विदाउट कुरामा। अब गाइस, विदाउट कुरामा भी नरुतो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पांचों कागेज को डिफीट कर देगा? अब हम यहाँ पे पांच कागेज के फाइटिंग टेक्निक्स को भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे पांच कागेज हैं जिनमें से सिर्फ एक ही अग्रेसिव या कहें ड्यूलिस्ट है जो सामने सामने फ्रंट बैटल पे फाइट करता है, और वो है ए। इसके अलावा मे भी थोड़ी अग्रेसिव फाइटर है, बट जहाँ तक बात रही कारा की जो की डिफेंस स्टाइल में फाइट करता है, सुनाटे जो की एक हीलर है, ओनोकी जो की सपोर्ट करता है, हम ये देखेंगे कि ये वेलोरेंट की एक टीम की तरह है जहाँ पे हमारे पास दो ड्यूलिस्ट है, एक हीलर है, एक इनिशिएटर है और एक सेंटिनल है शायद। खैर, तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि जब माजरा उचिहा इन पांचों कागेज से फाइट कर रहा था तब ये पांचों कागेज बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली माजरा से फाइट कर रहे थे अपने सारे टैक्टिक का यूज करके, बट माजरा उचिहा बहुत ही ज्यादा इजिली इनका फॉर्मेशन ब्रेक कर दे रहा था और इन सबको चुन चुन के मार रहा था और बहुत ही इजिली इनके साथ खेल रहा था। बट क्या नरुतो ऐसा कर पाएगा? वेल, नरुतो विदाउट केसीएम कितना ज्यादा ताकतवर है, विदाउट कुरामा भी वो केपेबल है हजारों क्लोन्स को क्रिएट करने के लिए। अगर उसने हजारों क्लोन्स क्रिएट कर दिए तो भी शायद वो पांचों कागेज को डिफीट कर सकता है। उसके पास राशन शुरिकेन है और हम कैसे भूल सकते हैं उसके पास है सेज मोड, वो भी परफेक्ट। और विदाउट कुरामा भी नरुतो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। तो हमें ये बात अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नरुतो शायद बहुत ही इजिली सुनाडे, मे और ओनोकी जैसे कैरेक्टर्स को हरा देगा। कारा और ए को हराने में शायद उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट एट द एंड वो कारा के डिफेंस को भी इजिली तोड़ देगा विदाउट कुरामा। और अगर बच्चा ए, जिसकी स्पीड को नरुतो ने ऑलरेडी ओवरपावर्ड कर दिया है, तो नरुतो ए से ज्यादा तेज है, तो वो उसको भी आराम से हरा देगा। तो एट द एंड मैं ये कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि नरुतो वर्सेस फाइव कागेज में नरुतो बहुत ही ज्यादा इजिली पांचों कागेज को डिफीट कर देगा। और यहाँ पे ये भी बात जाननी जरूरी है कि नरुतो माजरा से ज्यादा ताकतवर है अपने कुरामा मोड के साथ, और विदाउट कुरामा शायद वो माजरा के ऑलमोस्ट बराबर होगा या फिर एडो माजरा से तो ज्यादा ताकतवर होगा ही होगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि हाँ, नरुतो विद और विदाउट कुरामा पांचों कागेज को डिफीट करने की पावर रखता है। तो गाइस, इस बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है मैं पांचों कागेज को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट अगर आपका कोई और ख्याल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। एंड गुड लक।